Hi, this is Shubham Gupta, and in this video we are going to revise figure of speech. ठीक है, तो figure of speech start करने से पहले हम वो revision revise हम कैसे start करते हैं, इस तरह से example लेते हैं. suppose करो शादियों का season चल रहा है, शादियों का क्या चल रहा है, season चल रहा है, और काफ़ी सारी लड़कियाँ ladies हैं सुंदर दिखाई देने के लिए मेकअप करती हैं, और आपका क्या कहते हैं ज्वेलरीज पहनती हैं, मेकअप करते हो ज्वेलरीज पहनती हैं. ठीक है, इसी तरह से सेंटेंस को ब्यूटीफुल बनाने के लिए, सेंटेंस को ब्यूटीफुल बनाने के लिए हम फिगर ऑफ स्पीच का यूज करते हैं. एग्जांपल लेते हैं, लेट सपोज मुझे किसी से कहना है कि मुझे किसी लड़की से कहना है तुम बहुत खूबसूरत दिखती हो, तुम बहुत खूबसूरत हो, तो मैं उसको और कैसे कह, एक तो मैं तुझसे कह सकता हूँ कि तुम बहुत खूबसूरत दिखाई देती हो, दूसरा तरीका मेरे पास क्या कहने का, मैं कुछ इस तरह से कह सकता हूँ. अब आप इसने क्या कहा, चांदी जैसा रंग तेरा, सोने जैसे बाल. अब आप ये बताओ कि सोने जैसे बाल हैं क्या रियल में, अगर हैं तो आप उसको बेच के आ सकते हो, काफ़ी पैसे कमा सकते हो, बट ऐसा नहीं, सोने जैसे बाल नहीं है. सिंपल से उसका कहने का मीनिंग क्या है, यू लुक सो ब्यूटीफुल. बस इतनी बातें घुमाकर उसने क्यों कही, ताकि वो बात को बड़ी सुंदरता से कह सके, ब्यूटीफुली कह सके, ब्यूटीफुल वे में एक्सप्रेस कर सके अपनी बातों को. फॉर एग्जाम्पल क्या, यहाँ पर इसने क्या बोला, गुलाबी आंखें जो तेरी देखी. गुलाबी आंखों के मतलब क्या है, क्या किसी की आईज रियल में गुलाब पिंक होंगी क्या आपकी, ऐसा तो नहीं है, किसी ने आंखों पर कलर तो क्या नहीं है, तो इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग क्या है, वो सिंपल सा आंखों की तारीफ करना चाहता है, तो अपने सेंटेंस को किस तरह से ब्यूटीफुल बना रहे हैं, योर आईज लुक्स चार्मिंग. अगर वो सिंपल सा कह दे कि आपकी आंखें बहुत सुंदर दिखाई देती हैं, इससे इतना मजा ना आए, लेकिन जब वो इस तरह से बोलता है तो यही बात कितनी ब्यूटीफुल हो जाती है, यही बात कितनी ब्यूटीफुल हो जाती है. और एग्जांपल क्या ले सकते हैं हम अपना, चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी चौक में चांदी की चमक से चटनी चटाई. सर सर सर, ये क्या He is trying to do nothing, but he is trying to say, he is trying to make his talk attractive. ये क्या चाहता है कि अपनी बातों को attractive बनाना चाहता है, अपनी बातों को क्या बनाना चाहता है, सिर्फ attractive बनाना चाहता है. तो ये कुछ examples है जिस तरह से हम अपनी general life में, अपनी daily life में figure of speech का use कैसे करते हैं, कुछ बातों को, अपनी बातों को beautifully express करने के लिए हम use करते हैं. ठीक है, आप जल्दी से हम revise करते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिगर्स ऑफ स्पीच. ये हमारा रिविजन लेक्चर रहेगा केवल हमारा, हम इसमें ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, बस एग्जाम में ओरिएंटेड पढ़ेंगे. ठीक है, फर्स्ट हमारे फिगर्स ऑफ स्पीच है सिमली. क्या सिमली, तो इसका सिंपल सा मीनिंग है सर, इस सेंटेंस में हम दो चीज़ों का कंपेरिजन करेंगे, हम हमेशा दो ऑब्जेक्ट्स का क्या करेंगे, कंपेरिजन करेंगे, है ना, और जिनका जो डिफरेंस जो हम करेंगे उस डिफरेंस में सेंटेंस में लाइक या एज का यूज हम जरूर करेंगे. इसका मतलब क्या, शॉर्ट ट्रिक सिंपल से आप ये देख सकते हो कि अगर किसी सेंटेंस के अंदर लाइक या एज यूज हो रहा है तो सिंपल सा, आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, आपको ज़्यादा नहीं सोचना, सिंपल सा आप वहाँ पर कह सकते हो कि सेंटेंस के अंदर फिगर ऑफ स्पीच का वो सिमली फिगर ऑफ स्पीच का यूज़ किया गया है. दूसरा क्या, मेटाफर. मेटाफर सिमली है तो सेम है, दोनों क्या सेम, बट दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों में दो चीज़ों का डिफरेंस करेंगे, दोनों में कंपेरिजन करेंगे, बट कंपेयरिंग वर्ड्स यानी लाइक और एज का यूज नहीं करेंगे, यानी विदाउट लाइक और एज अगर हम कंपेरिजन कर रहे हैं तो हमारा वहाँ पर कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होगा, मेटाफर. यानी कि अगर किसी सेंटेंस में आपको दिखाई दे रहा है कि सर इसका कंपेरिजन इससे किया जा रहा है, इसका कंपेरिजन इससे किया जा रहा है, ये चांदी जैसा रंग तेरा, तो उसके कलर को, उसकी फेयरनेस को चांदी से कंपेयर किया जा रहा है, सिल्वर से कंपेयर किया जा रहा है, और सोने जैसे बाल, और उसके बालों को गोल्ड से, उसके बालों के गोल्ड से कंपेयर किया जा रहा है, क्या कहीं पे जी. तो खैर आपका सिमली का एग्जांपल हो गया, खैर अब मैं इसका एग्जांपल आपको क्या दूं, अगर इसका एग्जांपल देखो तो आप हाँ, जैसे ये जो एग्जांपल था आपका गुलाबी आंखें, इसने ये नहीं बोला गुलाब जैसी आंखें, इसने सिंपल सा बोला गुलाबी आंखें, यानी आंखों का कंपेरिजन गुलाब से किया, आंखों का कंपेरिजन गुलाब से किया, बट जैसा जैसी वर्ड यूज नहीं की, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं लाइक और एज. तो ऐसे वर्डों का यूज ना करके जब हम कंपैरिजन करते हैं तो वहां पर आपको कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होता है, मेटाफर. नेक्स्ट हमारा आता है एंथीसिस.
एसोसिएशन मतलब सिंपल, आपको दो सेंटेंस दिखाई दे रहे हैं, आपको एक सेंटेंस दिखाई दे रहा है और दोनों उस सेंटेंसेस में दो अपोजिट वर्ड्स हैं। दो क्या हैं? अपोजिट वर्ड्स हैं। ही इज़ इंटेलिजेंट व इरेगुलर, वो इंटेलिजेंट है बट स्कूल कभी कभी आता है ना, बिल्कुल अपोजिट आइडियाज़ हो गए, अपोजिट बात हो गई। तो जब भी ऐसा सेंटेंस आपको आते हैं तो आप कह देना कि सर इस सेंटेंस के अंदर एंटीथेसिस रिवर्स ऑफ स्पीच का यूज़ किया गया है। नेक्स्ट है हाइपरबोल। सिंपल आप मीनिंग याद रखो, वैसे मैंने आपको डिटेल में समझा रखा है इसका मीनिंग क्या है, बट सिंपल आप इतना समझ सकते हो कि अगर किसी बात में आपको झूठ दिखाई दे रहा है, किसी बात आप कोई बात ऐसी लगी झूठी है जो मतलब रियल में ऐसा हो ही नहीं सकता, बस हम ऐसी बातों को बड़ा चढ़ा कर बोल रहे हैं झूठ, तो वहाँ पर आपको कौन सा फिगर्स ऑफ स्पीच है? हाइपरबोल। जैसे एग्जाम्पल क्या, मम्मी बहुत बार आपसे कहती हैं, मैंने 1000 बार मैंने 50 बार आपसे बोला है कि अपनी चीज़ों को अपनी जगह पर रखा करो। क्या आपकी मम्मी ने रियल में 50 बार काउंट करके आपसे बोला है? कि आपकी मम्मी ने रियल में आपसे 1000 टाइम्स काउंट करके बोला है क्या? नहीं ना, तो ये झूठ है एक तरह से, ठीक है। तो जब भी ऐसा सेंटेंस आपको सुनाई दे तो आप समझ लेना कि यहाँ पर हाइपरबोल का यूज़ हम कर रहे हैं। नेक्स्ट आपका पर्सोनिफिकेशन। बहुत सिंपल, हम नॉन लिविंग थिंग्स को ह्यूमन क्वालिटीज दे रहे हैं। हम कह रहे हैं कि सर जो नॉन लिविंग थिंग है ना वो ह्यूमंस की तरह बिहेव कर रही है। तो जब भी हम ऐसा कोई सेंटेंस देखते हैं जहाँ पर हमें लगता है कि नॉन लिविंग थिंग्स को हम ह्यूमन क्वालिटीज दे रहे हैं, तो अब वहाँ पर यूज क्या कहोगे कि वहाँ पर पर्सोनिफिकेशन फिगर ऑफ स्पीच का यूज़ किया गया है। जैसे क्या, फ्लावर्स नॉडेड, फ्लावर्स सिर हिला रहे हैं। क्या फ्लावर्स सिर हिला सकते हैं? क्या फ्लावर्स अपना सर? नहीं ना, तब उसको ह्यूमन क्वालिटी दी जा रही है। तो ऐसे केस में कहोगे वहाँ पर्सोनिफिकेशन यूज किया गया है। नेक्स्ट आपका एनोमोटोपोई। सबसे सिंपल, जिस भी सेंटेंस में साउंड दिखाई दे जाए, जिस भी सेंटेंस में क्या दिखाई दे जाए, साउंड दिखाई दे जाए, जैसे कैट्स म्यू, डॉग्स बार्क, तो ये म्यू बार्क क्या है? साउंड है ना ये। तो जब भी किसी सेंटेंस के अंदर साउंड आपको सुनाई दे जाए तो आप समझ लेना वहाँ पर कौन सा फिगर्स ऑफ स्पीच है, एनोमोटोपोइया। एलिटरेशन, एलिटरेशन इसके बाद जो एक और वर्ड आएगा एनाफर, दोनों में ध्यान रखने की वाली चीज़ कैसी है? एलिटरेशन हम क्या करते हैं, रिपीटेशन ऑफ लेटर्स, रिपीटेशन ऑफ वर्ड्स, ना, रिपीटेशन ऑफ लेटर्स, जहाँ पर लेटर्स रिपीट होते हैं, जहाँ पर क्या रिपीट होते हैं, लेटर्स रिपीट होते हैं। जैसे कि आप ध्यान दो यहाँ पर, तो अगर आप यहाँ पर ध्यान दो, ध्यान से सुनने जरा, चाचा बार बार रिपीट होगा, चा चंदू के चाचा, चंदू की चाची, है ना, चांदनी चौक, चा 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 बार बार रिपीट होगा, ध्यान से सुनना। चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी चौक में चांदनी की चम्मच से चटनी चटाई। तो आपने देखा यहाँ पे चा जो वर्ड, चा कितनी बार रिपीट किया गया है, कितनी बार रिपीट किया गया है, तो ये किसका एग्जाम्पल हुआ आपका, ये आपका एलिटरेशन का एग्जाम्पल हुआ, ठीक है। एना पर इसमें भी रिपीटेशन होता है, बट रिपीटेशन ऑफ लेटर्स, ना, रिपीटेशन ऑफ वर्ड्स, रिपीटेशन ऑफ वर्ड्स, यहाँ पर वर्ड्स रिपीट होते हैं ना कि लेटर्स, यहाँ पर वर्ड्स रिपीट होते हैं ना कि लेटर। एंड ध्यान आपको ये रखना है, आई वाले जो सेंटेंस होंगे जिसमें बार बार आई रिपीट हो रहा होगा, तो आई को लेटर मत मानना, आई को वर्ड मानना है, क्योंकि आई हमारे आई का एक कंप्लीट मीनिंग है, ठीक है। सर इसका एग्जाम्पल कोई एनाफर का हमने आपकी हिस्ट्री में पढ़ा था, लव योर गॉड योर लॉर्ड विद ऑल योर हार्ट, विद ऑल योर सोल, विद ऑल योर स्ट्रेंथ, विद ऑल योर माइंड। तो विद ऑल योर आपको बार बार रिपीट हो रहा था, बार बार आपका हर लाइन में रिपीट हो रहा था, तो उस वाले सेंटेंस में कौन सा आपका फिगर ऑफ स्पीच है? एनाफर, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे इतने इतने इंपॉर्टेंट और ईजी टॉपिक को बहुत ईजिली। देन हम आज का टॉपिक यहीं पर ख़त्म करते हैं, और अगर आपको एंड इफ यू लाइक माई वे ऑफ टीचिंग देन यू कैन शेयर दिस वीडियो टू ऑल योर फ्रेंड्स। ओके, बाय, हैव अ गुड डे।